हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बीटीयूपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का फॉर्म भरा हुआ है, अब बारी आती है आपके फ़ी पेमेंट करने की कि आपको फ़ी इसका कैसे पेमेंट करना है। आपने जितने सब्जेक्ट में भरा होगा, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, या फिर स्क्रूटनी भरा होगा या फिर रिवोल्यूशन भरा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर टोटल अमाउंट दिख जाता है और उतना अमाउंट आपको फ़ी पेमेंट करना होता है, यानी कि उसका पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट का तरीका क्या रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपका इनका पहले डाटा दिखा दूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है इनकी दो सब्जेक्ट में यहाँ पर बैक थी, यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाइड फॉर रिवोल्यूशन के लिए इन्होंने अप्लाइड किया है, और सब्जेक्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेज अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, और इन्होंने टोटल अमाउंट कितना पे करना है, 1000 रुपये पे करना है। ये चीज़ आपको मालूम होगी, 24 आवर्स के बाद आपको फी पेमेंट वगैरह करना होता है। इसके बाद से जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पर डेट दिख रहा होगा 16/9/23 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके बाद से जब आप फी पेमेंट के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपकी, इनरोलमेंट नंबर, नेम वगैरह दिख रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ, कुछ चीज़ें ब्लर दिख रही होंगी। और यहाँ पर देखिए रिवोल्यूशन फी में इनका कितना दिखा रहा है, 1500 रुपये दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर इन्होंने कितने सब्जेक्ट में भरा है, दो सब्जेक्ट में भरा है, केवल 1000 रुपये, और यहाँ पर दिखा रहा है रिवोल्यूशन फी में 1500 रुपये। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, अगर आपको भी पहले से या फिर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम भी होगा, कभी कभी होता है ऑप्शन पहले भी 24 आवर्स के पहले भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। लेकिन 24 आवर्स कहने का मतलब ये होता है कि 24 आवर्स प्लस, अब प्लस का क्या मतलब, आप 28 घंटे रुक जाइए, 30 घंटे रुक जाइए, कभी कभी अगर आप फिलहाल में हो सके आप लिंक पे क्लिक करके पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएं तो वहाँ पे लिंक ओपन ही ना हो, इसलिए कि वहाँ पे अभी डाटा मैनेज ही नहीं किया गया है, यानी कि लिंक अभी वर्क ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी समस्याएँ हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने देखी सारी चीज़ें मेरे पास शेयर की हैं पेमेंट का, और कल कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे सर मेरे से गलती हो गई है, मुझे रिवोल्यूशन भरना था, मुझसे स्क्रूटनी हो गया था। तो मैंने आपको इसीलिए देखिए, आपको वीडियो इसीलिए दिया जाता है कि वीडियो को देख के ध्यान से हर एक चीज़ प्रोसेस बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों कीजिए। अगर थोड़ी सी भी आप लापरवाही करेंगे, अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने वीडियो दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे 30 मार्क का जो सोचे होंगे अरे हमें तो रजिस्ट्रेशन आता ही है, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और रजिस्ट्रेशन में कल के मॉर्निंग में क्या था, रजिस्ट्रेशन तो हो रहा था, तो जिन बच्चों का बैक पेपर था तो बैक पेपर शो नहीं हो रहा था, बैक पेपर शाम को मैनेज हुआ, शाम को आकर के शो हुआ। अब बच्चों जिनका बैक था वो तो अपना नॉर्मल सब्जेक्ट में जो जिस सेमेस्टर में थे उनका उनके उनमें बैक लगी थी तो वो तो भर दिया, और बैक पेपर वाला सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा था, और वो शाम को आकर शो हुआ, उससे पहले उन्होंने मॉर्निंग में ही रजिस्ट्रेशन कर लिया। बाद में कह रहे हैं कि सर मुझे बैक वाला भी भरना था, बैक वाला शो नहीं हो रहा था तो मैं नहीं भर पाया, मुझे लगा कि नहीं शो होगा। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। टेलीग्राम पे आपको मैसेज भी किया गया था कि बैक पेपर अभी शो नहीं होगा और शाम तक शो होने लगेगा, जब जैसे शो हुआ आपको मैसेज भी किया गया था कि हाँ बैक पेपर भी शो होने लगा। तो जल्दीबाजी करना, आखिर जब आपको 22 तक डेट दी गई है, अब ये नहीं कि आप 16 तक कर लेंगे तो आपका पहले कापी चेक हो जाएगा और आपका नंबर बढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब कि जो सारी चीज़ आपको बताई जाती है वो आप ही के लिए बताई जाती है कि आप ध्यान से देखें समझे या सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन अवेलेबल भी हो जाता है, अगर आप मान लीजिए कि कभी कभी ये होता है कि बच्चे, कल ही की बात करें तो बच्चे रजिस्ट्रेशन करके और क्या करिए तुरंत उसको ओपन कर रहे थे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कर लिया और फिर 1-2 घंटे बाद आपके फी पेमेंट वाले ऑप्शन को ओपन कर रहे थे। अब जब उसी वक्त ओपन करेंगे तो कभी कभी ओपन हो जाएगा और आप सोचेंगे कि हम चलो ओपन हो ही गया है, फी पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कई सारे इरर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऊपर 1000 रुपये आप इन्होंने रिवोल्यूशन किया दो सब्जेक्ट में और दिखा कितना रहा है, दिखा रहा है कि आपको 1500 रुपये यहाँ पे करने हैं। तो इस तरीके की इरर्स वगैरह आती रहेंगी। तो अभी जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ लिंक एक्टिवेट हो गया है, उसके बाद से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि हाँ ये आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, और इसी की सहायता से आप फी पेमेंट करिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर अगर आपके दोस्तों के पास भी है तो मोबाइल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मोबाइल से भी आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन आप प्रोसेस देखे बिना नहीं किए करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, चलिए गलती भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन में आपका तो पैसा गया नहीं, चलिए रजिस्ट्रेशन एक तरीके से। अब मान लीजिए कि जब आप फी पेमेंट करेंगे, अगर आपके 3 में 5 में जितने भी बैग हो, अगर फी पेमेंट में आपका पैसा अटक गया या फिर पैसा फंस गया या फिर रिफंड नहीं हुआ या फिर पैसा फंस गया बाद में रिफंड भी हो जाए, तो अभी तक फिलहाल के लिए आपके पास पैसा उतना मैनेज नहीं हो पाएगा, तो अनेकों प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं आपके सामने। तो इसीलिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है स्पेशली कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, जैसे लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कैसे आपको पेमेंट करना है, मोबाइल से आप पेमेंट कीजिए आराम से, या फिर उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, SBI कलेक्ट मतलब बैंक के द्वारा आप डायरेक्टली कर सकते हैं, UPI के द्वारा, QR स्कैनर यानी कि QR कोड के द्वारा, हर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो सारे तरीके आपको बताए जाएंगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों से करा सकते हैं जो आपके सीनियर वगैरह होंगे, उनसे भी करा सकते हैं, या फिर अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जा करके साइबर कैफे से करा सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अगर जल्दीबाजी हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था, जो आपकी ऑफिशियल नोटिस आई है स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन की, उसमें मेंशन है, दो आपके हेल्पलाइन नंबर है, तो दोनों हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इससे भी अगर आपका कोई
एक तरीके से कह लीजिए कि ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो आप जा करके बोर्ड में यानी कि आपका विभाग है जो लखनऊ में, वहाँ पर जा करके आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ से भी आपका डाटा मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप पहले हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करके वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।